हाय हाय गाइस गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुरम। नाम है वजात। ऋषि वामदेव जी ने बना दिया है बेशक उनको, जो वो म्यूजिक इतना प्यारा बजा रहे थे। और भगवान गणेश जी को भी नया नाम मंगल मूर्ति का मूर्ति मिल का चुका है भगवान हाँ विष्णु जी की तरफ से। अब आगे देखते आगे होता है एक क्या क्या, तो कानून करते हैं स्टार्ट। किंतु यहाँ समस्या दूसरी है ना। हाँ ये भी चल रही है ना, यहाँ पे लड्डू जो खत्म हो गए। मैं कुछ समझा नहीं माता, आप किस समस्या के और संकेत कर रहे हैं? नन्हे, खीर तो हम भी बनाते, किंतु महादेव को मां द्वारा बनाई हुई खीर ही अधिक स्वादिष्ट लगती है। उसी प्रकार लड्डू हम भी बना सकते हैं, लेकिन उनको नानी अम्मा के ही लड्डू अच्छे किंतु लगते हैं। गणेश ने सदैव माँ के हाथों के बनाए हुए लड्डुओं का ही सेवन किया। अब कैसे इतने समय जाए, टाइम लगता है। कदाचित उसे सही का हमारे हाथों के लड्डू इतने स्वादिष्ट ना लगे। तो अब हम क्या करें उसी माता? के टेस्ट के लिए हमें टेस्ट हाथी का शेष लगने के पश्चात उनकी शुदा भी हाथी के समान हो गई है भाई। और यदि हम आपके माता के भवन में जाकर लड्डू ले भी आते हैं तो मुझे संदेह है माता कि गणेश इतने समय तक प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। जाने का टाइम, बनाने का टाइम, आसान तो नहीं है। कोई थोड़े मोटे 10-12 तो नहीं बनाने, नौकरी के टोकरे बनाने बड़े बड़े, और आने जाने में टाइम। उस टाइम तो भाई ओ, 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 ओ भाई गोद में बैठे हुए हैं भगवान गणेश जी। वाह यार, ये भाई प्यार होता है, मतलब भगवान शिव जी को इससे ज्यादा प्यार है भगवान गणेश। हाँ ये तो कार्तिक के, लेकिन उनको एक वो अलग, उनका रहने का उनका जो उद्देश्य था वो एक अलग। वो एक भाई उन्होंने मारना था, नरकासुर का वध करना था, ट्रेनिंग लेनी थी वो अपने मकसद के लिए। ये क्या कर रहे हैं? ये तो वो वो जटाएं जो हैं बाकी। ये देख रहे कि ये क्या है। ये देखिए जान, हाँ इनको इलाज, ये क्या चीज है। और भगवान शिव जी की भी स्माइल, ये देख वासुकी देव जी के ऊपर अभी आपका। ओ अब त्रिशूल की तरफ देखा क्या, ये सब चीजें देख रहे भगवान जी से। क्या त्रिशूल भगवान जी नहीं उठा पाएंगे? मतलब एक नॉर्मल वाली बात है, मेरे ख्याल से तो उठा पाएंगे क्योंकि इन्हीं की संतान है, इनकी बेटे हैं, सब कुछ इन्हीं। मेरे ख्याल से भगवान है ना, ये भी इनके पास भी शक्तियां बहुत है। माता जी आप तो आदि शक्ति हैं, माता जी का जायका ले हैं, सब कुछ पॉसिबल है। स्वामी हमारे पुत्र की शुदा पूर्ति में हमें आपकी सहायता चाहिए। वो यानी कि भगवान शिव जी को, लेकिन वो इधर भगवान गणेश जी के साथ लगे हुए। ये क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो पुत्र? भगवान गणेश जी आई थिंक थोड़े से वो परेशान ही होते हैं चीजें देख के, कि आपने जो भी धारण किया है वो क्यों किया है? ऐसी वेशभूषा तो किसी की भी नहीं है, मतलब हर चीज जटाएं, ये चांद जो मस्तक पे धारण किया हुआ है, वासुकी देव। अरे आप केवल मुस्कुरा रहे हैं। जब से आपके दर्शन हुए हैं तब से ये प्रश्न मेरे मन में है, और इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। मतलब तब से इन्होंने बिठाए हुए ये सवाल। तुम्हें मुझसे जो भी पूछना है निसंकोच होके पूछो, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करना है मुझे। हाँ
तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी माता बहुत सुंदर है। हाँ माता इतनी सुंदर है, श्रृंगार करती है, किंतु आप जटाधारी जोगिया वेश में क्यों रहते हैं? तात्पर्य ये है कि भगवान जी को सिंपल लाइफ बड़ी पसंद है, और अगर ये अपने रूप में आए तो माता की खूबसूरत है ये, और माता पार्वती जी से भी ज्यादा सुंदर लगते हैं सर। कहो पुत्र। माता ने आपको पसंद कैसे कर लिया? नहीं, एक बच्चा हो तो बात तो सही बोल रहा है अपने लिहाज, लेकिन इनको क्या पता कि माता ने इनको पाने के लिए कितनी तपस्याएं की। कितनी तपस्याएं की। मैंने तुम्हारी माता के लिए एक बार अपना रूप बदला था, किंतु तुम्हारी माता को मैं इसी रूप में प्रिय हूँ तो मैं क्या करूँ? ये डमरू, ये सर, ये त्रिशूल, ये भस्म, इस रूप में ऐसा मनमोहक क्या है? ये क्वेश्चन होते हैं ना बंदे के दिमाग। ये का वाई फाई कहाँ गया? ये क्या चीज है? माता पार्वती की सोच तो नहीं बनाने लगी है, क्योंकि अब समय तो बहुत लगेगा आने जाने में। माता ये नहीं बनाने की चाहिए ना, ये आटा है। हाँ बेटा आटा चले बना कर तो ट्राई करें ना, आती शक्ति है ना, खीर जब इतना टेस्ट करें। अब ये लड्डू बनाएंगी ना, अब ये खत्म नहीं होंगे क्योंकि हमारे इंडिया भारत के लोग खत्म नहीं होंगे। ये तो आप भी आटा देख लेंगे। माता ये विशेष प्रकार की मिठाई बना रही है। हाँ मिठाई बना रही है, लड्डू नहीं। अबे लड्डू मिठाई एक नहीं होता, इनके सुगंध से स्पष्ट होता है लड्डू कहते हैं। भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। भाई माता की सेवन करने में कितना आनंद प्राप्त होगा। गण प्रेम लोग भी खुश हो रहे हैं। कुमार के सेवन करने से पहले इसके सेवन के बारे में सोचना भी वर्जित है। वो देख, देखा ये वो नहीं है लड्डू। सुनो सुनो, मिठाई है कोई। अब उन्हें गुलाब जामुन नहीं कहेंगे, जिस तरह वो ब्लैक की। अब वो हमारे इश है, समझ गए? ये तो मजाक बनेंगे तो पता चलेगा ही। वो देख रहा नहीं, ये कुछ अलग किस्म की मिठाई है। पेड़े ना हो कुछ हो सकता है, लेकिन गुलाब जामुन भी नहीं है, देख रहा है? हाँ आए 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 हम लड्डू, क्योंकि वैसी चीज है जानिए, अगर लड्डू होते तो वो लड्डू कहते हैं। हाँ लेकिन कोई न्यू तरह की मिठाई होगी, नए टेस्ट वाली। इस संसार में, इस प्रकृति में तीन गुणों का समावेश है, रजस, तमस और सत्व। संसार के निर्मित रूप से चलने के लिए इन तीनों का संतुलन अनिवार्य है। ये मेरा त्रिशूल इन तीनों गुणों का प्रतीक है। किंतु पिताजी, राजस तमस तत्व गुण कैसे होते हैं, क्या होते हैं? प्रकाश, ऊर्जा, क्रोध, आवेश, गति, परिवर्तन, चेंजिंग, आकांक्षा, ये सब राजस गुणों के उदाहरण हैं। जन्म भी रजस है और बालपन भी रजस है। उसी प्रकार अहंकार, अज्ञानता, आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष, मृत्यु, वृद्धावस्था, ये सभी तात्विक गुण के प्रतीक है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इन दोनों का संतुलन बनाए रखना इस संसार के कल्याण के लिए अनिवार्य है। किंतु उसके लिए अनिवार्य है
इनके समक्ष एक तीसरा गुण होना, उसी लिए उत्पत्ति हुई है सात्विक गुण की। यार भाई साहब, अब माता जी ने मिठाइयां बनाना शुरू कर दी हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि हाँ ये लड्डू हैं या कुछ और है, या अलग मिठाई हो भी सकता है, अलग मिठाई हो, क्योंकि माता जी ने अब बनाई, अब देखेंगे आगे तभी पता लगेगा। लेकिन गणप्रेत भी यही कह रहे थे ना कि मिठाई बना रही है, अगर लड्डू होते तो वो बोल देती है, और ये थोड़े अलग अलग किस्म के नजर लग रहे थे, कोई या पेड़ा टाइप हो या कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई उधर से भगवान गणेश जी कहते हैं, यार माता जी ने आपसे शादी कैसे कर ली भाई, आप कहाँ और वो तो इतनी प्यारी मतलब है, तैयार होती है, तो भगवान जी कहते हैं मैंने तो भाई खूबसूरत अपना रूप लिया, तब उनको मैं इसी रूप में पसंद आता था, मेरे इसमें क्या गलती है, कितने खूबसूरत लगते थे माता पार्वती जी से ज्यादा खूबसूरत लगते भाई, थे बड़े प्यारे भाई जब हुए थे दुनिया का खूबसूरत तरीन थे भाई। लेकिन माता जी कहती है ना भाई आप तो मुझे उसी रूप में पसंद, तो अब क्या कर सकते हैं, यही बात है। और यार वो चंद्रमा जी को जो धारण किया हुआ है, चंद्रमा हो गया गंगा माता जी और वो त्रिशूल, पहले तो वो सारा चेक कर रहे थे भाई, ये वो चांद को, फिर ऊपर वो जो था वो जहाँ पर अब चंद्रमा जी है वो अपनी है, अपना गंगा माता उधर वो देख रहे थे, कह रहे थे ना जब से आपको देखा मेरे जहन में यही सवाल है। लेकिन अब यार मतलब उनको भी समझाया बातें, फिर उनको यार अब देख, हम लोग जब शुरू में देख रहे थे हम लोग भी कहते थे यार ये क्यों भगवान शिव जी ने किया, ये क्यों, फिर जब आहिस्ता समय पता लगा हमें भी पता लगता है, जाहिर बात है। और हाँ ना, अब लेकिन आगे देखते हैं आगे होता है क्या, तो